कौन सी पार्टी का नाम रखा जाए। लेकिन उसमें बाबूराम पाल ने कहा कि भाई मेरी पार्टी का नाम अच्छा है, राष्ट्र उदय पार्टी रखा जाए। तो इसको सिरे से हमने खारिज किया कि इसमें कोई आदमी ये तो कह ही नहीं सकता है कि मेरी पार्टी का नाम रखो। जब एक कमेटी बनाई जा रही तो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा नाम ठीक रहे। वो भैया जी, एक सवाल है कि युवाओं को किस तरह से आगे लेके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा भी यही जाता है कि जब तक युवा आगे नहीं आएगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। बात आपकी ठीक है, क्योंकि कोई भी क्रांति रही हो, आंदोलन रहा हो, उस समय युवा जब आगे आया है तभी वह सफल हुआ है। तो युवाओं की तो बिल्कुल 100% आवश्यकता है। लेकिन अभी जो हम उम्रदराज लोग हैं, जो एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम डेवलप करने के बाद में फिर उसको जब कार्य रूप दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें वो कमेटियां बनानी है, उसमें हमारे उद्देश्य क्या होंगे उस पर करना है। तो जो युवा है, युवा को जब क्षेत्र में उतारा जाएगा तो युवा के पास कार्यक्रम होना चाहिए कि क्या कार्यक्रम है, कि ये आइडिया गठबंधन बनाए तो चाहता क्या है। तो वो सामग्री सब हम जो अनुभवी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब अपना बना करके वो तैयार करेंगे और किस तरीके से हमको क्षेत्र में जा करके, जिलों में जा करके, विधानसभा क्षेत्र में जा करके कार्यक्रम करना है, तो वो सब युवाओं के माध्यम से ही उस काम को आगे अंजाम दिया जाएगा। आईडीए गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल हैं इस समय? आईडीए गठबंधन में भाई अपनी राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी है, इंडियन नेशनल लीग है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, और भाई एक पार्टी राजेश कुमार सिद्धार्थ हैं खीरी के, उनकी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है तो वो पार्टी भी शामिल है। एक भाई टी प्रसाद जी हैं, वो पिछली बैठक में रहे थे, उनकी सम्यक पार्टी है। और इसके अलावा और भी जो दल साथ में आएंगे, हम तो इस आईडीए गठबंधन में क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है वह भी तो समाज के उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह भी समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही लड़ाई हमारी है, वही उनकी है, तो उनको भी हम बराबर मान सम्मान देंगे और वो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। इससे पहले अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें बाबू राम पाल जी, राजा राम पाल जी, श्री राम पाल जी और आप, जो ये बैठक हुई थी इसका क्या निष्कर्ष निकला कि जो है गठबंधन की प्लानिंग चल रही थी? देखिए ऐसा है, जो हमने आइडिया गठबंधन बनाया है तो इसमें तो वही पारसी बिरादरी के हैं, कुशवाहा बिरादरी के हैं, मुस्लिम समाज से हैं, जाटव बिरादरी से हैं, खटीक बिरादरी से हैं, वाल्मीकि बिरादरी से, तो इसमें तो सभी समाजों को इकट्ठा करके उनके जो सामाजिक और पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको लेकर के हम ये आइडिया गठबंधन बनाए। लेकिन समाज के कुछ लोगों की तरफ से ऐसा आया कि समाज में जो 6-7 पार्टियां हैं जिनमें से 5 पार्टियां उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, किसी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा है, किसी ने 2 पर लड़ा है, किसी ने 5 पर लड़ा है। 5 पार्टियां कौन कौन सी? 5 पार्टियों में एक पार्टी भाई राष्ट्रीय समाज पक्ष है, महादेव जानकर हैं उसके राष्ट्रीय पक्ष, उन्होंने भी यूपी में चुनाव लड़ाया, और एक भाई हमारी पार्टी है राष्ट्रीय सूर्य समाज पार्टी, एक राष्ट्र उदय पार्टी है वो बाबूराम पाल हैं उसके राष्ट्रीय, एक डॉक्टर राजवीर सिंह पाल हैं मुजफ्फरनगर से, उनकी भारतीय हरित पार्टी है, एक भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी जो राजाराम पाल जी ने बनाई थी, और गणेश पाल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये 5 पार्टियां हैं जो चुनाव में 1 सीट पर, 2 सीट पर, 10 सीट पर चुनाव लड़े हैं, तो यही सक्रिय हैं। इनको ही हमने बुला करके एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया कि समाज में कम से कम अपना जो पाल, बघेल, धनगर, गडरिया समाज है उसमें तो ये मैसेज न जाए कि भाई समाज के लोगों ने कई पार्टियां बना रखी हैं, इसलिए वो बैठक बुलाई गई कि समाज की एक पार्टी हो जाए। और उसमें हमने ये कहा था बैठक में
कि भाई जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी कि उस पार्टी के नाम से क्या संकेत जा रहा है, वो कौन सा नाम ठीक रहेगा, या उस पार्टी को जिसने बनाया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी विचारधारा क्या है, वो चाहता क्या है, उसके बारे में कोऑर्डिनेशन कमेटी उसका साक्षात्कार ले, उनका एक वक्तव्य ले, और उसके अलावा उस पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां क्या रही हैं, उसने कितने चुनाव लड़ाए, कितना वोट हासिल किया, कितने जिलों में संगठन है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, ये कुछ आधार हैं। इस आधार पर कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना डिसाइड करे कि कौन सी पार्टी का नाम रखा जाए। लेकिन उसमें बाबूराम पाल ने कहा कि भाई मेरी पार्टी का नाम अच्छा है, राष्ट्रोदय पार्टी रखा जाए, तो इसको सिरे से हमने खारिज किया कि इसमें कोई आदमी ये तो कह ही नहीं सकता है कि मेरी पार्टी का नाम रखो। जब एक कमेटी बनाई जा रही तो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा नाम ठीक रहे, वो निर्धारित करेगी ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कितना मजबूत है, कितने चुनाव लड़े हैं, उसकी विचारधारा क्या है, उस पार्टी का जो नाम है उससे क्या संदेश जाता है, तो इस आधार पे तय होना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से ही कर दिया, तो इस वजह से उस मीटिंग में वो नहीं बन पाया।